गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड मैजिक स्क्वायर को, ठीक है। आपका पेज नंबर है 103, मैथ्स मैजिक पेज नंबर है 103। तो कल हमने जो वो पिछले कल जब भी क्लास थी तो हमने जो वो एक मैजिक स्क्वायर सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें कि कुछ इस तरह से नंबर थे, जैसे यहाँ पे 3x3 का मैजिक स्क्वायर था, मतलब कि 3 रो थी उसमें और 3 ही कॉलम थे। तो यहाँ पे 49 लिखा था, यहाँ पे शायद 52 लिखा था और यहाँ पे 47 और यहाँ पे 46 लिखा था। तो हमारे पास जो वो यहाँ पे 4 नंबर गिवन थे। तो देखिए, जब भी कभी तीसरा नंबर निकालना हो, जैसे आपको बोला था कि 46 से लेकर के 54 तक आप जो वो कुछ भी फिल कर सकते हो, लेकिन सभी रोज और कॉलम को जो प्लस करके, सभी लाइनों को प्लस करके जो वो 150 आ जाए, ये जो वो हमारे पास कंडीशन दी रखी थी, ठीक है। तो हमने कैसे किया उसको, हमने जो वो क्या किया, हमने चेक किया कि दो नंबर है हमारे पास, इनको प्लस किया, 150 से माइनस करेंगे तो तीसरा नंबर निकल जाएगा। तो दो नंबर अगर एक लाइन में या एक रो या एक कॉलम में जो वो गिवन है, जैसे यहाँ पे इस लाइन में जो वो दो, इस थर्ड रो में जो वो तीन नंबर, दो नंबर गिवन है, तो तीसरा निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जो दो दो नंबर गिवन है उनको प्लस करो और जो भी प्लस, जो भी सम दिया है इसका, उससे जो वो माइनस करो, तीसरा नंबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और एक और था, जैसे अच्छा जरूरी नहीं था कि आप जो वो इसको ही पहले करें, या आपके पास ऐसे यहाँ पर भी दो नंबर गिवन था, जैसे थर्ड कॉलम में, जैसे यहाँ पे 49 था, यहाँ पे 47 था, तो यहाँ पर भी दो नंबर गिवन थे, तो यहाँ पर भी आप इस नंबर को पहले निकाल सकते थे, तो वो आपकी मर्जी थी। तो ऐसे आप जो वो करते करते जो वो सारे नंबर निकाल लेंगे, आपके जो वो डायगनल्स में भी जो वो प्लस करके जो वो वही आना चाहिए। जैसे डायगनल का मतलब होता है ए है इसके डायगनल, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे जो भी बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों को प्लस करके और इन तीनों को प्लस करके भी 150 आना चाहिए, ठीक है। तो अब वो हमने जो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दो नंबर गिवन थे, तीसरा नंबर निकल जाएगा। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या बोला इसने, इसमें बोला इसने फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 21 से लेकर 29 तक आप भर सकते हो। 21 भी फिल कर सकते हो, 29 भी फिल कर सकते हो, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे बात को। अब इसने जो वो, ये तो इसका सॉल्यूशन है, इसको मत देखिए अभी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, ये बाद में आएगा, लेकिन हम जो वो कुछ और तरीके से भी इसको जो वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो वो हमारे पास गिवन है, ठीक है, ए हमारे पास जो वो गिवन है, सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास, 25। तो इसका करने का जो तरीका है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दो नंबर हमें चाहिए पहले, डायगनल में भी दो नंबर मिल जाए तो तीसरा नंबर निकल जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो वो 24 लिख लिया, तो यहाँ पे ये नंबर निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो, 75 से माइनस करो, क्योंकि टोटल जो वो कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। वहाँ पे कितना था पिछले क्वेश्चन में, 150 था, तो यहाँ पे 75 आना चाहिए टोटल, तो यहाँ पे 75 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपने वैसे करना है, वैसे तो आपको जो वो एक नंबर फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स करने से अच्छा है कि आप जो वो ऐसे इसको याद रखें कि आपने जो भी इसके कोने हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ए वाला बॉक्सेस और ए वाला बॉक्सेस और ए वाला बॉक्सेस और ए वाला बॉक्सेस, आप इसमें ऐसे याद रख लो कि इसमें जो वो इवन नंबर आएंगे। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, और 2 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी लास्ट में अगर जो वो 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आ जाए। 0 तो खैर हमने नहीं लेना है, क्योंकि 21 से 29 तक ही है, तो 0 तो नहीं आएगा लास्ट में। तो 2, 4, 6, 8 आ जाए लास्ट में, तो वो जो वो इवन नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 मतलब कि 22 आ सकता है, 26 आ सकता है, 28 आ सकता है, 24 आ सकता है, ठीक है। तो बात यह है कि हम लोग कहाँ से इसको ट्राई करें, ठीक है, कहाँ से ट्राई करें। जैसे आप सॉल्यूशन को देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 26 है, तो आप जो वो एक तो यहाँ पे 26 ले लें, ठीक है। लेकिन आप जो वो छोटे नंबर से स्टार्ट करें, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसको छोड़ें, हम जो वो कुछ और तरीके से इसको बनाएंगे, हमारा वो भी सही होगा और ए वाला भी सही होगा। देखिए कैसे, हमने पता है कि सबसे पहले ए वाला बॉक्स आएगा, इसको फिल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यही दिख रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए 21 से लेकर के 29 तक है, तो 21 तो एक और नंबर है, 22 है, तो मैंने यहाँ पे 22 रख दिया, ठीक है। अब देखिए 23 को जो वो मैं 23 तो और नंबर है, ठीक है। अब जब वो इसकी बारी आई, ठीक है, इसके नीचे ए आता है, ठीक है, तो इसके बाद 22 के बाद क्या आता है, 23 आता है, जो कि और नंबर है, तो 24 आता है, तो मैंने यहाँ पे 24 फिल कर दिया, ठीक है। आपने लिखना है कि फिक्स द नंबर, ठीक है, मतलब कि फिक्स करने हैं कोई दो नंबर, कोई दो नंबर आपको फिक्स करना पड़ेंगे, जैसे 22 ऑन द टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 22 जो वो आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो वो फिक्स कर दिया, ठीक है। या जो वो आप ऐसे पहले जो वो बोल सकते हो कि जैसे
यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी बारी आई 25, तो हमने लिख लिया है, 26 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 26 से यहाँ पे आ जाएगा, फिर 27 तो नहीं लिख सकते, 28 आ जाएगा यहाँ पे, 28 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 4 जो वो नंबर हमने फिक्स कर लिए, ठीक है, अपनी मर्जी से किए, क्योंकि हमें पता है 21 से 29 तक जो वो हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे नंबर जो वो हमारे पास गिवन आ गए, मतलब कि गिवन तो नहीं लेकिन हमने मान लिए। तो अब देखिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको जो वो दो नंबर तो मिल जाएंगे, आप जो वो तीसरा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप जो वो लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे कि लेट अस फिक्स द 26 ऑन द टॉप मोस्ट राइट हैंड साइड, ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स कर दिया। बाद में लिखेंगे फिक्स 22, ठीक है, फिक्स 22 ऑन द टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। या तो आप इसको सॉल्व करके जो वो जैसे इसको निकाल सकते हो 24 को, और इस डायगोनल को सॉल्व करके जो वो इस 28 को निकाल सकते हो। लेकिन दो नंबर ही हमारे पास जो वो फिक्स करने थे हमें, लेकिन हमने जो फोर नंबर फिक्स कर दिए, तो आप कुछ भी ऐसे जो वो कर सकते हैं इसको, ठीक है। फोर नंबर फिक्स कर लें, इसके बाद आपको पता है कैसे करते हैं, आप जो वो फर्स्ट रो को लीजिए, जैसे यहाँ पे जो वो ए नंबर मिसिंग है, फर्स्ट को लीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था 22 एंड यहाँ पे लिखा था 26, ठीक है। तो इन फर्स्ट रो, इन फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो ए है, तो क्या करूँगा, 22 प्लस 26 प्लस किया मैंने, 22 और 26 प्लस करके आ जाएगा 48, यस 48 आ जाएगा, और 48 और यहाँ पे अब क्या करना है आपको बताया, 75 में से जो इसको माइनस करना है 48 को, तो ये आ जाएगा 26 27 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ जाएगा यहाँ पे। तो 27 जो वो मैं कहाँ पे लिखूँ, 27 जो वो मैं यहाँ पे मेरा आ जाएगा 27, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने जो वो सभी फिल करने हैं, इन सेकंड रो, इन थर्ड रो, या फिर आप कॉलम भी ले सकते थे, इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे भी करके इसको किया जा सकता है। अब देखिए एक और तरीका है इसको करने का, सिंपल, अगर आपको जल्दी से फिल करना है, ठीक है, तो इसका भी मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, जल्दी से कैसे करना है, बिना किसी कैलकुलेशन के आप इसको कर सकते थे। देखिए कैसे, आपको बताइए कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने 22 से, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 22 लिख लिया था, ठीक है, 22 लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर से मैं ट्राई करता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे मैंने बोला आपको, जैसे इसको जो अगर इस तरह से बनाया जाए कि इसको मैं ऐसे ओपन करूँ और इसको जो वो ऊपर की साइड, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, यस, इसको मैं ऐसे एक बॉक्स और बना लूँ यहाँ पे, ठीक है, नीचे की साइड, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से। अब देखिए मैंने नंबर फिल करने हैं, ठीक है, आपको जो वो बिना कैलकुलेशन किए जो वो कैसे करना है, इसको चेक कैसे करना है लास्ट में, जैसे आपने कर लिया कैलकुलेशन की सब कुछ, प्लस किया माइनस किया, ठीक है, जो भी आया वो ठीक है, लेकिन आपको जो वो चेक करना है कि जल्दी से, चेक करने का एक और तरीका है, लेकिन इसको जो वो चेक कैसे करना है, जैसे आपको 21 से लेकर 29 तक फिल करने हैं, तो 21 यहां से स्टार्ट करें, 21, ठीक है, अभी यहां पे नहीं फिल किया हमने इसको, ये बाहर है अभी, ठीक है, देखते हैं कि कैसे जो इसको अंदर लाना है। 21 है, यहां पे मैंने 22 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे बाहर मैंने 23 लिखा, ठीक है, बाहर मैंने 20, अब जो वो यहाँ से स्टार्ट करें, 24 और 25 तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ठीक है, 25 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे लिखें 26, फिर जो वो नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखे 27, बाहर लिखा मैंने अभी 27, फिर यहाँ पे आ जाएगा इस बॉक्स में 28 और यहाँ पे आ जाएगा 29, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने पहले फिल किया इसको। अब देखिए अब वही नंबर है जो मैंने आपको बोला, 22 यहाँ पे, 26 यहाँ पे, 24 जो भी इवन नंबर है वो सारे यहाँ पे आ गए। अब देखिए इस 21 को जो वो यहाँ पे नहीं लाना है, इस 21 को जो बिल्कुल अपोजिट ले जाओ यहाँ पे, और इस 29 को जो वो यहाँ पे ले आओ, और इस 23 को जो वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले आओ, और इस 27 को जो वो ऊपर ले जाओ यहाँ पे 27, तो ये हमारा जो वो कंप्लीट बॉक्स जो वो तैयार हो चुका है, स्क्वायर जो वो तैयार हो चुका है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे मैं जो वो चेक करने जा रहा हूँ, जैसे 22 है, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ इन तीनों को, ठीक है, 22 प्लस 27 प्लस 26 आ जाएगा 75, देखिए 2 और 7 होते हैं 9, 9 और 6 होते हैं 15, तो 5 आ गया, बाकी यहाँ पे 2 है, 2 4 एंड 5 6 और एक 7 75 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इन सब को चेक करिए, ऐसे नीचे डायगनल को भी चेक करिए, 75 भी आएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हैं।
ठीक है, करना आपने वैसे ही जैसे आपने पिछले कल वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आप इस मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करें अच्छे से। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ए वाला ऑप्शन है, जैसे 22 यहाँ पे भी होगा तब भी ठीक होगा, 26 जो वो यहाँ पे होगा तब भी ठीक होगा। ठीक है, और ए वाले नंबर भी अगर चेंज हो जाए यहाँ पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप ट्राई करिए फिर चेक कीजिए कि हमने ठीक किया गलत किया। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।